गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल फ्रॉम विजयपथ डिफेंस एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे ग्रामर पार्ट की, जो है नाउन। फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर नाउन, ठीक है। नाउन क्या होते हैं आप बोलेंगे, नाउन क्या होगा, जैसे हम स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। बट मैं कहता हूँ कि नाउन हर चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ का क्या होता है, नाम होता है। अब जब हर चीज़ का नाम होता है, यानी कि वो क्या है, फिर नाउन है। अगर मैं इस दीवार को बोलूँ, दीवार भी नाउन है। मैं नाउन हूँ, मेरा नाम नाउन है, ठीक है। ये बुक पढ़ी है, नाउन है। आगे मेरे कैमरा है, वो क्या है, नाउन है। दुनिया में हर चीज़ क्या है, नाउन है। बट हम क्या बोलेंगे, नाउन इज एवरीथिंग। नाउन क्या है, हर चीज, बिकॉज हर चीज का नाम होता ही होता है, और जिस चीज का नाम है वो क्या है, yes, वो नाउन है। अब अभी हमने तो पता चल गया कि नाउन क्या होते हैं, अब इसके हम पढ़ेंगे टाइप्स। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने है चार टाइप के नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से क्या समझेंगे, किसी चीज का प्रॉपर नाम। जैसे मेरा नाम आयुष है, आयुष क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जैसे जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, पालमपुर से, पालमपुर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ये पृथ्वी, अर्थ, प्लैनेट का नाम दिया हुआ है अर्थ, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जिस चीज़ का भी कोई प्रॉपर नाम हो उसको हम क्या बोलेंगे, यस, प्रॉपर नाउन। अब इसी के हम आगे जाते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं, किसी चीज़ का कॉमन नाम दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला ये पालमपुर है, बट मैं बोलूँ ये एक शहर है। अब इसके नियरेस्ट शहर कोई धर्मशाला भी है, कांगड़ा भी है, इनको क्या बोलेंगे हम, ये शहर हैं, इनको एक कॉमन नाम दे दिया हुआ है, यानी कि शहर, सिटी। मैं लड़का हूँ, मेरे अलावा और भी लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, इनको भी हमने क्या दिया हुआ है, इनके मैं नाम नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, एक तरह से एक कॉमन नाम दिया हुआ है इनको। जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, टीचर कोई भी हो सकता है, बट उनको कॉमन नाम दिया हुआ है टीचर। बॉयज़, लड़के, हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। ये हमारे क्या है, कॉमन नाउन। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर, ठीक है। हम बोले जूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। हम बोले क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल। टीम, ये क्रिकेट टीम, ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को कोई नाम दे देना, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, हैप्पीनेस, लाफ्टर, डेथ, थेफ्ट, हेटर्स, यानी कि कोई फीलिंग्स, कोई ऐसे एक्शंस जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हाँ वो होते हैं। जैसे कि क्या है, हैप्पीनेस, खुशी, दुख, हिंदी में आपको बता रहा हूँ मृत्यु, या फिर आप लिख लो और चाइल्डहुड, बचपना, ये सारी क्या है हमारे, इनको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैंने दो चीज़ें और लिखी हुई यहाँ पर, एक है काउंटेबल, दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल। क्या होते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल, आपको समझ ही आ रहा होगा नाम से, काउंटेबल जिन चीज़ को हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते। क्या हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, तो यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है हमारे, अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन जैसे पालमपुर, आयुष, अर्थ, एक एक हैं, इनको गिन सकते हैं। क्राउड में कोई चीज़ हो, जैसे कि सिटी बोलूँ, अगर दो तीन सिटीज़ को हम गिन तो सकते हैं ना, तो ये सब क्या है, ये हमारे काउंटेबल है। जिन चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम इसके रूल्स की। रूल्स क्या हैं, पहला रूल देखिए, किसी भी प्रॉपर नाउन या जिसे मैं बोलूँ मेरा नाम, उसके आगे कभी द लगता है, नहीं लगता है। जैसे मेरा नाम आयुष है, द आयुष बोलेंगे, नहीं बोलते हैं, द पालमपुर बोलते हैं। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको और क्लियर करूँगा कि कब प्रॉपर नाउन के आगे द या अ एनुअल आर्टिकल्स लग सकते हैं। बट वैसे कॉमनली अगर हम यूजुअल लेमैन लैंग्वेज में कहें, नहीं लगते। बट किस नाउन में भी कभी कभी हम द लगा देते हैं नाउन के एक रूल में, हमारी इस बारे में बात करते हैं। क्या रूल है, आपको पहले मैं एग्जांपल देता हूं, राजेश इज द शेक्सपियर ऑफ दिस क्लास। सी, हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, राहुल, राजेश इज द शेक्सपियर ऑफ दिस क्लास। अब मैंने क्या कहा, प्रॉपर नाउन के साथ द तो लगता नहीं, बट मैंने यहाँ पर देखिए शेक्सपियर के साथ द लगा दिया हुआ है। शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है, तो उसके साथ मैंने द क्यों लगाया है। मैंने पूरे सेंटेंस पढ़ी, मैंने लिखा क्या है, राजेश इज द शेक्सपियर ऑफ दिस क्लास। द शेक्सपियर मतलब वो शेक्सपियर नहीं है, बट वो कहीं कहीं ना कहीं शेक्सपियर जैसा होगा, यानी वो पोएट होगा, राइटर होगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा होगा। यहाँ का शेक्सपियर इस क्लास का राजेश है, फॉर एग्जाम्पल दूसरी क्लास है उसका शेक्सपियर कोई रमन है, ठीक है। मतलब कि शेक्सपियर यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ। कॉमन नाउन कैसे, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो शेक्सपियर जैसे हैं।
अब कॉमन नाउन के आगे तो मैं द लगा सकता हूं ना, क्योंकि प्रॉपर नाउन यहां पर एक कैसे काम कर रहा है, कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट रूल ये कहता है कि जब हमारा द उसके साथ यूज कर सकते हैं, जब कॉमन नाउन सॉरी प्रॉपर नाउन हमारा कैसे वर्क कर रहा हो, कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा हो। राजेश इज द शेक्सपियर ऑफ दिस क्लास। द शेक्सपियर मींस कि यहां पर ये क्या है, एक कॉमन नाउन है, तो इसलिए मैंने इसके साथ द का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट रूल, सो फ्रेंड्स हमारा रूल नंबर टू, द कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर एंड न्यूटर जेंडर। सिंगुलर नंबर क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है सिंगल चीज यानी कि वन। अब मैंने आपको कलेक्टिव नाउन क्या बताए थे कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम एक नाम दे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी कि कलेक्टिव नाउन को हमेशा हम सिंगुलर नंबर यूज करते हैं, यानी कि इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, यस सिंगुलर वर्ब लगेगी। एंड आगे मैंने लिखा है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। एक होता है मैस्कुलाइन, एक होता है फेमिनाइन और एक होता है न्यूट्रल। मैस्कुलाइन मेल जेंडर्स, जैसे बॉय मेल जेंडर्स, फेमिनाइन ऑब्वियसली फीमेल जेंडर्स, एंड न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मीन्स नो मेल नो फीमेल। जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग उनको हम किस में रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। तो यानी कि कोई भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन होगा उसको हमेशा किस में रखेंगे, सिंगुलर नंबर में रखेंगे एंड न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया द आर्मी। अब आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, has taken its decision, has। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत आपको ग्रामर की नॉलेज है, जब हमने टेंसेस पढ़ा था उसमें मैंने आपको has have के रूल्स मैंने आपको करवाए थे। तो has किसके साथ लगता है, सिंगुलर चीज के साथ लगता है। आर्मी क्या है हमारे यहाँ पर, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने क्या यूज किया, has, जो ये मेरी फर्स्ट चीज हो गई क्लियर। एंड टेकन इट्स, इट्स किसके लिए यूज होगा, ऑब्वियसली न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होगा। मैंने हेस लगाया ना मैंने हर लगाया, मैंने क्या लगाया, इट्स। इट्स यानी कि न्यूट्रल जेंडर। तो यानी कोई भी कलेक्टिव नाउन होगा अगर उसको हमेशा हमने किस में रखना है, सिंगुलर नंबर में रखना है और न्यूट्रल जेंडर में रखना है। पर इसका एक एक्सेप्शन भी है, क्या देखते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि जब कोई कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर नंबर में होगा तो जब एक यूनानिमस डिसीजन में होगा, एक तरफा डिसीजन होगा, तो उसको हम हमेशा किस में लेंगे, सिंगुलर नंबर में लेंगे एंड न्यूट्रल जेंडर लेंगे। बट जब हमारी वो जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो डिवाइड हो जाए, मतलब कि आधे लोग कुछ कह रहे हैं कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, अब वो एक तरफा नहीं जा रहे हैं, उस केस में हम जो हमारा वर्ब है वो किस में लेंगे, प्लूरल में लेंगे। उस टाइम हमने किस में लिया था, सिंगुलर में लिया था। अब जब वो बट गए हैं तो किस में लेंगे हम अपना वर्ब, प्लूरल में लेंगे। एंड जेंडर कौन सा लगाएंगे, कॉमन जेंडर लगाएंगे। जैसे कि मैंने लिया द आर्मी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजंस। अब आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, बट इस टाइम वो क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। डिवाइड इन द सेंस कि वो डिसीजन ले रहे थे तो उनके डिसीजन क्या हो गए, डिवाइड हो गए। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। उस केस में मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर आर यूज़ किया है, यानी कि प्लूरल वर्ब लगाया। इन देयर डिसीजन, देयर मतलब कॉमन जेंडर, ना मैंने मेल ना फीमेल ना न्यूट्रल, मैंने कॉमन जेंडर लगा दिया हुआ है। द आर्मी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजंस। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन हमारा एक तरफा जा रहा हो, कोई उनका डिसीजन या कोई बात कोई उनकी यूनानिमस हो, यूनानिमस मतलब एक जगह, तो उस टाइम हम उनको सिंगुलर नंबर में रखते हैं एंड न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। पर वही कलेक्टिव नाउन अगर बट जाए अपने डिसीजंस में, अपनी बातों में, किसी भी तरीके से अगर वो बट जाए, उस केस में हमेशा हम उनको किस में लेते हैं, प्लूरल वर्ब में, प्लूरल नंबर में लेंगे एंड कॉमन जेंडर में लेते हैं। यह हमारा खत्म होता है रूल नंबर टू। बात करते हैं रूल नंबर थ्री की। हमारा रूल नंबर थ्री किसके रिगार्डिंग है, यूनिट ऑफ काउंटिंग के रिगार्डिंग है। यूनिट ऑफ काउंटिंग क्या होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ एक दो तीन चार पाँच, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गई, बट एक दो तीन चार पाँच क्या, मान लो एक 100 200 3000 4000 5 मिलियन 6 ट्रिलियन, ये क्या है, ट्रिलियन मिलियन बिलियन 100,000, ये हमारी होती है यूनिट ऑफ काउंटिंग की। हम उस यूनिट को किस में रखा हुआ है, हमने किस में काउंट कर रहे हैं। जैसे कि मिलियन 100 डजन स्कोर, आई होप आपको पता होगा डजन 12 के इक्वल होता है, स्कोर 20 के इक्वल होता है, एंड मिलियन 10 लाख, एंड 100 ऑब्वियसली 100, ठीक है। अब हमारा रूल इसकी रिगार्डिंग क्या है कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो और उसके आगे यूनिट ऑफ काउंटिंग्स हो लगी हो, ठीक है, कोई भी एक लगी होगी, नॉट काउंटिंग्स काउंटिंग एक लगी होगी, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट ऑफ काउंटिंग लगी है साथ में, उस केस में हम यूनिट ऑफ काउंटिंग को सिंगुलर रखेंगे। पर अगर यूनिट ऑफ काउंटिंग है
बट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिर्फ यूनिट ऑफ काउंटिंग है. इस केस में हम यूनिट ऑफ काउंटिंग को किस में रखेंगे? यस, प्लूरल में रखेंगे. अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे कि हम बोलते हैं 500 रुपीस, हम ये क्यों नहीं कहते 500 रुपीस. 100 तो समझ आता है कि सिंगल 100 होगा तो 100, बट 500 है तो 500 है हमारे पास, 500 रुपये, मतलब 500 रुपीस क्यों नहीं कहते? जी नहीं, क्यों नहीं कहते? क्योंकि यूनिट ऑफ काउंटिंग जब साथ में हो और साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हो, उस केस में हम यूनिट ऑफ काउंटिंग को सिंगुलर नंबर में रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ क्या लिया, आई बॉट डजन्स ऑफ बुक्स. यहाँ पर मेरे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में मैं यूनिट ऑफ काउंटिंग को प्लूरल में रखूंगा, यानी कि ये तो सही हो गया. अगला, आई बॉट टेन डजन बुक. अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो इस केस में मेरा जो यूनिट ऑफ काउंटिंग है उसको किस में रखूंगा? सिंगुलर में रखूंगा, यानी डजन्स नहीं लिखा मैंने, डजन लिखा, ये भी सही हो गया. अब मैंने लिखा आई गेव हिम 500 रुपीज, न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, आई गेव हिम 500 रुपीज, मैंने यहाँ लिखा हंड्रेड्स. पर मेरा रूल क्या कहता है कि जब यूनिट ऑफ काउंटिंग के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई, उस केस में यूनिट ऑफ काउंटिंग किस में होगा? हाँ जी, हमारा किस में होगा? सिंगुलर नंबर में होगा, यानी 500 रुपीज होगा. यानी कि ये गलत था, अब सही है. तो जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट ऑफ काउंटिंग हो, तो यूनिट ऑफ काउंटिंग को किस में रखेंगे? सिंगुलर में रखेंगे. पर अगर यूनिट ऑफ काउंटिंग के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो उस केस में हमारा जो यूनिट ऑफ काउंटिंग है उसको हम किस में रखेंगे? प्लूरल में रखेंगे. अब अपने नेक्स्ट रूल की साइड चलते हैं. सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बट एक्चुअली में वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं. हम सिंगुलर और प्लूरल में फ़र्क कैसे करते हैं? लास्ट में हम ये देखते हैं, एस या ई एस लगा होता है. जैसे मैं बोलूँ कि टीचर, टीचर्स, बॉय, बॉयज, मतलब एस या ई एस से हम पहचानते हैं. बट समटाइम्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एस या ई एस तो नहीं लगा होता है, बट वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, कैटल, पीजेंट्री, क्लर्जी या मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन. ठीक है, ये वर्ड्स क्या है, इनके लास्ट में कोई एस तो लगे नहीं है, नहीं लगे ना, बट ये प्लूरल है. क्या है ये? प्लूरल है. चिल्ड्रन, यानी कि आप चिल्ड्रन से समझ लो, चिल्ड्रन क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे, यानी बहुत सारे बच्चे, यानी क्या हो गया फिर, ये नहीं, प्लूरल हो गया ना. ठीक है, तो जब भी ऐसे वर्ड्स जो देखने में सिंगुलर हो बट होते क्या है? प्लूरल होते हैं, तो उस केस में ऐसे वर्ड्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगती है. अब मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. कैटल, अब कैटल देखने में तो सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, बट एक्चुअली में सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल वर्ड है. ठीक है, कैटल मतलब ग्रुप ऑफ काउज, शीप्स. ठीक है, तो इस केस में मैंने क्या यूज किया है? आर. आर क्यों यूज किया है? मैंने कहा ऐसे वर्ड्स जिनके साथ, आई मीन जो वर्ड्स देखने में सिंगुलर है बट होते क्या है? प्लूरल होते हैं, उस केस में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करनी, यानी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. चिल्ड्रन देखने में कैसे लग रहा है? सिंगुलर है, ऐसे ई एस लगा नहीं है, बट ये क्या है? प्लूरल वर्ड है. अब जब प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आई? फिर प्लूरल आई, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. यानी कि ये जब भी कोई वर्ड्स देखने में सिंगुलर हो बट होते प्लूरल है, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी है. अब इसके उल्टा, सो फ्रेंड्स, पहले हमने रूल पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स जो देखने में सिंगुलर होते हैं बट होते क्या हैं? वो प्लूरल होते हैं. अब हम इसका उल्टा ले रहे हैं कि कुछ वर्ड्स देखने में कैसे हैं? प्लूरल हैं, बट एक्चुअल में वो कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, यानी कि उनके लास्ट में ऐसे ईएस लगा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है? प्लूरल है, वो होते सिंगुलर हैं. जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इनके लास्ट में क्या है? एस एस लगे हुए हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये क्या है? प्लूरल वर्ड्स है, ये सिंगुलर वर्ड्स ही होते हैं. और जब अगर ये सिंगुलर वर्ड्स है तो ऑब्वियसली इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी? यस, सिंगुलर वर्ब लगेगी. हमने क्या लिखा? सम नाउन्स लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर, सो यूज सिंगुलर वर्ब विद इट. वर्ड्स देख लीजिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, कुछ डिजीजेस के नाम जैसे मीजल्स, रेबीज, देखने में तो लगा है कि इनके लास्ट में एस एस लगे हैं, तो ये सिंगुलर होंगे, आई मीन प्लूरल होंगे, बट ये प्लूरल नहीं होते. क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं. तो इनके साथ कैसे यूज करना है? हमेशा सिंगुलर वर्ब. यानी कि मैथमेटिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ मैंने क्या यूज किया है? इज यूज किया. बट इस केस में एक थोड़ी सी एक्सेप्शन आती है कि ऐसे वर्ड्स जो देखने में प्लूरल होते हैं बट होते सिंगुलर हैं.
बट इनके साथ ना कभी हम पोजेशन दिखा दें, पोजेशन मतलब कि ये मेरी, उसकी या किसी थर्ड पर्सन की, हमें उसकी बिलोंगिंगनेस दिखा दें कि ये चीज़ किसको बिलोंग करती है। उस केस में हमेशा वर्ब को आप हमेशा किस में ले जाएंगे, प्लूरल में ले जाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है, पहले जनरली मैंने कहा मैथमेटिक्स इज़ अ हार्ड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज़ अ हार्ड सब्जेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स किसी की नहीं थी। अब मैं बात करूँ माय मैथमेटिक्स यानी कि मेरी मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स की मैंने एक पोजेशन दिखा दी है कि मैथमेटिक्स वो किसकी है, मेरी मैथमेटिक्स। अपनी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, माय मैथमेटिक्स आर वेरी हार्ड। अब मैंने यूज़ कर लिया आर। जब भी ऐसे वर्ड्स के साथ पोजेशन शो कर देंगे उस केस में हमेशा वर्ब आप लगाएंगे फिर प्लूरल। अगर पोजेशन नहीं है तो सिंगुलर, अगर पोजेशन शो हो गई है तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। जैसे मैंने यहाँ लिखा मैथमेटिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स के साथ कोई पोजेशन नहीं है तो वर्ब सिंगुलर। बट जब मैंने लिखा माय मैथमेटिक्स यानी कि आ गई पोजेशन आ गई, उस केस में मैंने ये लिखा आर वेरी हार्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूल। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कोई प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ड्स नहीं होते हैं, जैसे सी फ्रेंड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई प्लूरल नाम नहीं होता, जैसे कि मैं बोलूँ लगेज, लगेज ही होता है, लगेजेस नहीं होता, लगेजेस कोई वर्ड नहीं है। अगर आप कहीं पढ़ो लगेजेस, माय डियर फ्रेंड्स वो गलत वर्ड है। फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता, फर्नीचर ही वर्ड होता है। ब्रिक्स कोई वर्ड नहीं होता, हाँ एक ये ब्रिक्स होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बट जो हम ईंटों की बात करते हैं ना, ये वाले जिससे हम घर बनाते हैं, वो ब्रिक होता है, ब्रिक्स कुछ नहीं होता, ठीक है। वैसे ही और हमारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, कोई हैप्पीनेस, हैप्पीनेसेस तो नहीं बोलते हम, ठीक है, लाफ्टर, लाफ्टर्स तो नहीं बोलते, ठीक है। इन वर्ड्स का कोई प्लूरल नहीं होता, तो इनके साथ कभी भी आप प्लूरल में इनको कभी नहीं लिखेंगे। तो इनके साथ जब ये प्लूरल नहीं है तो हम कैसा वर्ब लगाएंगे, यस सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे मैं बोलूँगा वेयर इज योर लगेज, तुम्हारा लगेज कहाँ है, लगेज क्या है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने वर्ब भी क्या लगाया, सिंगुलर लगाया। कभी भी लगेजेस वर्ड देखोगे, फर्नीचर्स वर्ड देखोगे, ब्रिक्स वर्ड देखोगे, माय डियर फ्रेंड्स वो वर्ड कैसे हैं, गलत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। सो फ्रेंड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर में भी यूज होते हैं, प्लूरल में भी यूज होते हैं, यानी कि क्या कि उनके साथ ऐसे ES ना भी लगा हो ना, कोई एक वर्ड होगा, ठीक है, वो वर्ड आप सिंगुलर के लिए भी यूज़ करोगे और प्लूरल के लिए भी यूज़ करोगे। मोस्ट कॉमन वर्ड शीप, आप शीप ही सुनेंगे, कभी शीप्स वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ शीप होता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब कोई सेंटेंस में हम सिंगुलर शीप की बात कर रहे हैं या प्लूरल शीप, मतलब बहुत सारी शीप्स की बात कर रहे हैं। मैंने शीप्स बोला इसका मतलब ये नहीं है कि शीप्स वर्ड है, ठीक है, वो मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, या मैं हिंदी में बोलता हूँ भेड़े, कि एक भेड़ की बात कर रहे हैं या बहुत सारी भेड़ों की बात कर रहे हो, क्योंकि वर्ड तो उसके लिए हमारे पास एक ही है यानी शीप, ठीक है। इस केस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वही बताता है कि हम एक भेड़ की बात कर रहे हैं या बहुत सारी भेड़ों की बात कर रहे हैं। जैसे कि अब मैंने सेंटेंस लिया शीप इज वेरी इकोनॉमिकल, अब यहाँ क्या लगा है, इज लगा है, यानी इज है, यानी कि यहाँ पर शीप कितनी, यानी फिर सिंगल शीप हुई, क्योंकि यहाँ इज लगा है। अगर इस केस में मैंने यहाँ लगाया था आर, शीप आर वेरी इकोनॉमिकल, यानी कि यहाँ मैं मोर देन वन शीप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब ही बताता है कि जो हमारा वर्ड है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। अगर शीप इज होता, यानी कि इज ही बता रहा है हमें कि वो सिंगुलर शीप की बात है, शीप आर, आर यानी कि क्या, यानी प्लूरल है, शीप यानी हमारा क्या है, प्लूरल। और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि आप लिख लो कॉड, ट्राउट, सैल्मन, डियर, इन वर्ड्स के ना कोई प्लूरल ही होता, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल इनके सिर्फ इनके हेल्पिंग वर्ब्स ही बताते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम जिनका ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल, आई मीन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक ही वर्ड होता है, उस केस में हेल्पिंग वर्ब्स ही बताते हैं कि वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि दो नाउन है और बीच में क्या लगा है, प्रेपोजिशन लगी है, उस केस में आगे हमारा जो वर्ब आएगा ना वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखूं विलेज आफ्टर विलेज, आफ्टर विलेज, आफ्टर विलेज वर डिमोलिश्ड, ठीक है, मैंने लिखा विलेज आफ्टर विलेज वर डिमोलिश्ड, मेरा प्रेपोजिशन एंड नाउन लगे, तो आगे मैंने क्या कहा, वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर, यानी कि वर्ब क्या है, गलत है, क्यों, हमें वर्ब किसी लगानी है, सिंगुलर लगानी है, यानी कि विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिमोलिश्ड, ठीक है।
अब हमारे क्या रूल क्या बोला कि नाउन दो नाउन्स हैं और बीच में क्या है प्रेपोजिशन है, उस केस में हमेशा वर्ब हमेशा कैसी आएगी हमारी, यस वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, यानी विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिमोलिश्ड। ठीक है, अब हम अपने आज का लास्ट रूल की बात करते हैं। सी फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी बात आपको ग्रामर की नॉलेज है। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी होता है। जैसे मैं बोलूँ ही इज रिच, वो कैसा है, रिच है। ही इज ग्रीडी, वो कैसा है, ग्रीडी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उस इंसान की क्वालिटी होगी, ही या किसी नाम हो, नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब एडजेक्टिव्स के साथ जब भी हम द का यूज कर लेंगे ना, कि जैसे मैं लिखूं द रिच, द पुअर, ठीक है, कि ये क्या है, एडजेक्टिव्स है, किसी चीज की क्वालिटी है, एंड उसके साथ मैंने क्या यूज कर लिया है, द का यूज कर लिया है, तो इस केस में ना ये एक कम्युनिटी शो कर रहा है। कम्युनिटी मतलब एक कुछ लोगों का समूह, कैसे लोगों का समूह, जो रिच है, ठीक है, रिच पीपल का समूह। मैं बोलूं द पुअर, ठीक है, पुअर मतलब एक कम्युनिटी, कैसे लोगों की कम्युनिटी, गरीब लोगों की कम्युनिटी। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ जब भी द लग जाता है तो वो एक कम्युनिटी शो बन जाते हैं, और जब वो कम्युनिटी बन जाती है तो इस केस में हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। जैसे मैं बोलूंगी द रिच आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, मैं बोलूँ द ऑनेस्ट आर वेरी, देखिए अब मैंने यहाँ क्या बोला, द रिच आर वेरी हार्ड वर्किंग, द रिच, ठीक है, एक एडजेक्टिव है, उसके साथ मैंने क्या लगा दिया है, द लगा दिया, इसका मतलब ये क्या बन गया, एक कम्युनिटी बन गया, और जब वो कम्युनिटी बन जाएगा ना, उस केस में ना हमेशा वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, यानी कि द रिच आर वेरी हार्ड वर्किंग, कि रिच कैसे हैं, हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी एडजेक्टिव के साथ द लगेगा तो वो कम्युनिटी बन जाएगा, और उस केस में हमेशा वर्ब कैसे लगेगी, प्लूरल लगेगी। सो फ्रेंड्स, आज हम नाउन का यहाँ तक ही करते हैं, अगली बार हम अपोस्ट्रोफी एस, आपने देखा ही होगा अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे कि नाउन में इसके यूज़ कहाँ होते हैं। आज मैंने आपको 10 to 12 रूल्स करवाए हैं नाउन के रिगार्डिंग, आप इनको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड हम नेक्स्ट टाइम अपोस्ट्रोफी एस की बात करेंगे। आज का हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मैं आयुष अग्रवाल फ्रॉम विजयपथ एजुकेशन, थैंक यू सो मच।